सोलन के पर्यटन स्थल बडोग में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। पर्यटन स्थल होने के बावजूद पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को ना तो सही तरीके से यहां पानी की सुविधा उपलब्ध है और ना ही इस पर्यटक स्थल पर सार्वजनिक शौचालय की सुविधा है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों सहित स्थानीय दुकानदारों को खुले में शौच करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे सरकार प्रशासन के वह शौच मुक्त के सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। आने वाले महीनों में यहां पर्यटन व्यवसाय अपने पूरे चरम पर होगा और यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे, लेकिन उनको यहां पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है, जिससे पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी भारी समस्याएं होती हैं। एडीएम सोलन संदीप नेगी ने बताया कि न्यायालय में डोग में बने हुए सार्वजनिक शौचालय को लेकर केस चल रहा है, जिस कारण शौचालय अभी बंद है। उन्होंने कहा कि शौचालय के लिए प्रशासन की तरफ से बुडोग के दोनों तरफ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था बनाने के लिए पंचायत और वीडियो ऑफिसों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक शौचालय जो बुडोग का है, उसमें किसी न्यायालय में केस चला है, जिस कारण वो अभी बंद है। और जहां तक सफाई व्यवस्था का सवाल है, तो उसमें निर्देश दिए जा चुके हैं कंसर्न पंचायत को और वीडियो ऑफिस सोलन को कि सफाई व्यवस्था सुधारें। जो सार्वजनिक शौचालय है, जहां तक उसका प्रश्न है, उसमें हमने वहां पास ही देवघाट में बायोडाइजेस्टर टॉयलेट लगा है और दूसरी तरफ है बड़ोग के दूसरी तरफ जो है वहां पे भी हमने एक बायोडाइजेस्टर टॉयलेट लगाया है। इसके साथ ही हमने पंचायत को और वीडियो ऑफिस वालों को निर्देश दिए हैं कि अगर बड़ोग प्रॉपर में कोई बायोडाइजेस्टर टॉयलेट लगाए जाने की आवश्यकता है, तो उसकी प्रपोजल बना के जो है हमारे कार्यालय को भेज